कायल हो सकते हैं लालू यादव के, लेकिन लालू यादव की जो आइडियोलॉजी है उसके लॉयल वो नहीं है। और मेरा मानना है कि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह जी के ना हा हा ना ना हा हा ना ना हा हा ना ना हा हा ना वे और लगातार नीतीश कुमार जी पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद भी वो बर्खास्त हुए हैं, उनका इस्तीफा लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का एक बार फिर से जगदानंद सिंह पर गुस्सा फूटा है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि जगदानंद सिंह नहीं चाहते थे कि बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन हो, यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार आए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव जमकर खरी खोटी सुनाते हुए जगदानंद सिंह को, सबसे पहले आप वो सुनिए। पहला सवाल है लगातार सरकार बनने के पहले भी जगदानंद सिंह जी नहीं चाहते थे नीतीश और लालू यादव जी की कोई एका हो, ये कोई नई मानसिकता नहीं है। जब विधायक दल की बैठक थी उसमें भी उसके पुत्र उपस्थित नहीं थे। नेतृत्व के डिसिप्लिन को, पार्टी के डिसिप्लिन को मानने के लिए कभी भी सुधाकर सिंह तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री का अनादार हमेशा पहले भी जगता बाबू और उनके पुत्र ने किया। प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं जगता बाबू। वह वन मैन लॉयल हो सकते हैं लालू यादव के, लेकिन लालू यादव की जो आइडियोलॉजी है उसके लॉयल वो नहीं है। और मेरा मानना है कि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह जी के ना हा हा ना ना हा हा ना में और लगातार नीतीश कुमार जी पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद भी वो बर्खास्त हुए हैं, उनका इस्तीफा लिया गया। पहले तो हम सुधाकर सिंह और जगता बाबू से ये पूछना चाहेंगे कि आपके दो मील पर 6-6 करोड़ रुपया का आप पर डिफॉल्टर का केस है, क्या आप नैतिकता की बात करेंगे? 6-6 करोड़ किसानों का डिफॉल्टर आप पर है। आप धान घोटाले में जेल गए जिसमें आपसे सुशील मोदी मिलने गए। आप 4 सालों तक बीजेपी की आप सरकार, बीजेपी के आप साथ थे। जगता बाबू, आप बोलते हैं कि मैं पहला आदमी हूं कि मैंने एक बाप अपने बेटे का विरोध किया। अरे जगदानंद सिंह जी, सुचित्रता कृपलानी जब मुख्यमंत्री थी तो उसके पति ने, आचार्य कृपलानी ने सबसे पहले विरोध किया। हमारी पत्नी नहीं चाहती थी कि हम मरे बाढ़ में, और आप तो जिंदा रहने के लिए राजनीति करते रहे। कोरोना में हम अपने घर को छोड़ के 6 महीना लाश जलाई। तो आपने सुना, जगदानंद सिंह पर पप्पू यादव का गुस्सा फूटा और साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि जगदानंद सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बड़े भाई और छोटे भाई एक साथ आए। बिहार की सियासत में जिस तरीके से बदलाव हुआ, उलटफेर हुई और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, जगदानंद सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बिहार में सरकार बने और लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार आए। और यही कारण है कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ आ चुके हैं, यानी कि बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन हो चुका है, तो जगदानंद सिंह को ये रास नहीं आ रहा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।